आपको पता ही होगा हर हर शंभू जो है काफी पॉपुलर हो चुका है ये सॉन्ग, और यह भी जस्ट इस सॉन्ग का एक रिमेक बना है जो कि फरमानी नाज ने इस चैनल को गाया है, वीडियो को गाया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर वो भी हो रहा है। और ये भी पॉपुलर हमारा जो है पांडा जी का पॉपुलर हुआ था और जीतू शर्मा ने इसे गाया था, तो अचानक से जो है ये ओरिजिनल वीडियो जो है वो डिलीट हो गया है। तो क्या है इसकी फुल डिटेल्स वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और अचानक से वीडियो क्यों डिलीट हुआ तो जीतू शर्मा ने लाइव आके बताया है कि प्लीज़ इस वीडियो में कुछ ऐसा अचानक से क्या हो गया था, कॉपीराइट आ गया, कैसे क्या हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये डायरेक्ट मैं आपको जीतू शर्मा की जुबानी सुनाता हूँ कि आखिर इस वीडियो में अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वीडियो डाउन हो गया और YouTube के ट्रेंडिंग नंबर 2 में 1 में चल रहा था ये वीडियो। तो चलिए जानते हैं जीतू शर्मा की जुबानी आखिर क्या हुआ। जीतू शर्मा सिंगर राइटर कंपोजर ऑफ हर हर शंभू शिव महादेवा सॉन्ग। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि आज सुबह से वो वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, और उसमें रीजन आ रहा है अच्युता गोपी जी का। बट मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो जब रिलीज भी हुआ था तब भी हमारी अच्युता गोपी जी से बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि इस वीडियो से गीत से मुझे कोई समस्या नहीं है, और बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे धुन पर शिव जी का भी एक गाना बना है। और जो वो एक कृष्ण डिवोटी हैं और वो कृष्ण को शिव को सदा ही समान मानती हैं, तो इनके द्वारा वो चीज नहीं की गई है, उनके द्वारा वो स्ट्राइक नहीं दी गई है। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अच्युता गोपी मैम को कोई भी डीएम में आइदर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कोई भी उनको कुछ गलत या बुरा ना बोले, बल्कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने उनका छोटा सा कॉम्पोजिशन जो हमने हर हर शंभू शिव महादेवा गाया है वो भजमन राधे गोविंद का उस लाइन का कॉम्पोजिशन से लिया गया है, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट किया था और मुझे परमिशन दिया था कि आप गा सकते हैं इस गाने को, मेरे को कोई समस्या नहीं है, और वो इस चीज से बहुत खुश थी। और आज जो ये वीडियो हट गई है वो किसी हैकर के द्वारा ये किया गया है, और उसमें इलीगली अच्युता गोपी मैम का नाम लिया गया है। तो आप लोग सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्युता गोपी मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत सच्ची हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, उनके द्वारा ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया गया है, ये स्ट्राइक किसी हैकर के द्वारा किया गया है, और उसके विरुद्ध में हम लोग लीगल एक्शन जो भी है और नोटिस जो भी है वो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आप सबका प्यार है, महादेव का आशीर्वाद है, वो वीडियो यूट्यूब से रिमूव नहीं होगा, इतना विश्वास रखिए, लगभग 2 या 3 दिन में वो वीडियो दोबारा से यूट्यूब में अवेलेबल होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर हो सके तो अच्युता गोपी जी को मेरे भी हाथ में थैंक्स बोलिएगा कि जिन्होंने हमें परमिशन दिया था वो गीत गाने के लिए और उसका कंपोजिशन सेम रखने के लिए, पर उन्होंने ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारा है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर क्यों ये वीडियो डिलीट हुआ है, तो आज आपको ये ऑफिशियली न्यूज़ हमने बता दिया। तो चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो को देखने के लिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।